Cause I just wanna go, go, go to the deep end. में आपका स्वागत है। आज की टेक न्यूज शुरू करेंगे, उससे पहले माफी चाहता हूं क्योंकि आज की टेक न्यूज थोड़ी लेट आई है। ये हमारा दिन का तीसरा वीडियो है। हमने आज सोनी टीवी का अनबॉक्सिंग किया, रियलमी C12 का अनबॉक्सिंग किया। जैसे कि कल मैंने आपसे बोला था दोस्तों, बहुत अनबॉक्सिंग होगी तो मे बी एक दिन में दो दो वीडियो मुझे डालनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। बाय द वे, कल मैंने पोल रखा था, आपसे पूछा था कि आपको कौन से टाइप का ईयरफोन्स पसंद है, हाफ इन ईयर स्टाइल या पूरा के पूरा चिपकू वाला। तो लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट डाला, उसमें से 71% लोगों ने कहा एकदम चिपकू स्टाइल, जो मुझे भी पसंद है। वो ऐसा हाफ वाला कभी कभी बाहर लटक जाता तो मजा नहीं आता उसमें। एनीवेज दोस्तों, गर्मा गर्म टेक न्यूज लेके आ गया हूं, बहुत इंटरेस्टिंग टेक न्यूज है, आज बहुत मजा आने वाला है। लाइक करिए, 40,000 पार कर दीजिए और फटाफट से आज की टेक न्यूज शुरू करते हैं। तो पहले खबर की बात करेंगे, शुरुआत करते हैं किडनी चोर से, एप्पल से। दोस्तों अभी वैसे अच्छे काम कर रहे हैं लोग, देखा जाए तो इंडिया में अभी वो लोग मैन्युफैक्चरिंग पर काफी ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर, और बहुत सारे अपने जो आईफोन से वो इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर रहे हैं। और अभी से ही दोस्तों वो लोग, ऐसा बताया जा रहा है, अकॉर्डिंग टू बिजनेस स्टैंडर्ड ऐसा पता चल रहा है कि जो अपकमिंग आईफोन 12 आएंगे वो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होंगे, ऐसा बताया जा रहा है, जो बहुत ही बड़ी बात है। बेंगलुरु में दोस्तों होगा और 10,000 से ज्यादा उससे रिगार्डिंग जॉब्स भी क्रिएट होंगे, जो काफी अच्छी बात है। मेरे ख्याल से अगर सारी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडिया में ही आ जाती है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती है तो मे भी कहीं ना कहीं प्राइस में हमें थोड़ी कमियां देखने को मिल सकती है। और ऑब्वियसली यहां पर भी दोस्तों बूस्ट होगा, जॉब्स क्रिएट होगी और इसी तरीके से धीरे धीरे हम चाइना से इस मामले में जीत सकते हैं, क्योंकि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, जहां तक मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इंडिया में अभी आईफोन 7, आईफोन 10R, आईफोन SE 2020 और आईफोन 11, ये सब कुछ तो अभी शुरू हो गया है, अभी ये भी यहां पर हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वो टैगलाइन तो हम उसको देंगे ही देंगे, किडनी चोर किरण। तो यहां पर दोस्तों आज फाइनली लेनोवो ने इंडिया में अपने 3 गेमिंग लैपटॉप्स को लॉन्च कर दिया है। जी हाँ, अलग अलग प्राइस कैटेगरी में आपको मिलते हैं। जो बेस वेरिएंट है लीजियन 5i, ये 80,000 का आपको मिलता है। i7 10th जनरेशन है, एनवीडिया आपको 1650 Ti वाला ग्राफिक्स मिलता है, 120Hz की आपको डिस्प्ले मिल जाती है और ऑब्वियसली काफी सारे कूलिंग सिस्टम इसमें आपको मिलते हैं। फिर 1,35,000 का आता है लीजियन 5Pi, ये 240Hz की रिफ्रेश रेट के डिस्प्ले के साथ में आता है और RTX 2060 उसमें ग्राफिक्स है और साथ में i7 10th जनरेशन यहां पर भी है। और सबसे हाईएस्ट वेरिएंट दोस्तों 7i करके, जो 2,00,000 रुपए का आता है, इसमें RTX 2080 ग्राफिक्स है और 240Hz की रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले है और i9 10th जनरेशन आपको इसमें मिलता है। वैसे तीनों में आपको काफी सारे कूलिंग सिस्टम मिलते हैं, RGB लाइटनिंग है वगैरह वगैरह। मेरे पास दोस्तों थोड़े दिनों में आएगा तो इसकी भी अनबॉक्सिंग आपको मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों फाइनली माइक्रोमैक्स के फोन्स ना ऑनलाइन अभी लिस्ट होना यहां पर शुरू हो रहे हैं। वैसे 2 नए फोन्स माइक्रोमैक्स के मॉडल नंबर यहां पर निकल कर आए हैं, X861 और X754 इंडिया के BIS सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हो चुके हैं। इसका मतलब दोस्तों हमें 2 फोन्स यहां पर देखने को मिल सकते हैं और ये मे बी सितंबर में, हमें फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में देखने को मिल सकता है। तो मतलब काम चालू हो चुका है, माइक्रोमैक्स के हमें फोन्स देखने को मिलेंगे। बस बस पहले जो इधर से उठा के इधर चिपका देते थे वैसा ना करें तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस टाइम में हमें इनकी काफी जरूरत है और अगर ये कुछ अच्छा करते तो हम ऑलवेज रेडी है इनको सपोर्ट करने के लिए। नहीं तो आपको पता है ना, जैसे लावा का आहा हुआ था, माइक्रोमैक्स का मावा। तो यहां पर दोस्तों मीडियाटेक कमाल कर रहा है और जो कंडीशन अभी है, जो वो काम कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद फ्यूचर में ये क्वालकॉम को ना टेक ओवर कर सकता है, क्योंकि अभी इनके पास दोस्तों लगभग 7 5G प्रोसेसर हो चुके हैं और क्वालकॉम के पास 6 5G प्रोसेसर है। जी हाँ, अभी उन्होंने मीडियाटेक डायमेंसिटी 800U वाला चिपसेट लॉन्च कर दिया है। ये मीडियाटेक डायमेंसिटी जो 720 है उससे थोड़ा आपको बेटर मिलता है, CPU 11% बेटर है और GPU 28% बेटर है, ये भी 5G 7nm पर बेस्ड है, तो कुछ इस तरीके का। तो लगातार ये भी 5G प्रोसेसर लॉन्च कर रहे हैं और क्वालकॉम को भी पीछे इस मामले में यहां पर छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। बाय द वे, इंडिया में तो एक भी हमें इनके डायमेंसिटी वाले प्रोसेसर वाले फोन तो मिले नहीं है, लेकिन आगे चल के बहुत ही जल्दी आएंगे, जो हमें शायद रियलमी और शाओमी के फोन्स में देखने को मिलेंगे। वैसे आपको क्या लगता है इनके बारे में, इंडिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों रियलमी की तरफ से आज 2 खबरें आ रही है, एक तो इंडिया की और दूसरी बाहर की। पहले इंडिया की बात करेंगे तो C12, C15 और उनके बर्ड्स क्लासिक जो ईयरफोन्स है वो इंडिया में
लॉन्च हो गए। जो Realme C12 इसकी अनबॉक्सिंग हमने किया और मुझे लग रहा था कि 8 या मैक्सिमम 8,500 के आसपास प्राइस होगी, लेकिन ये 9,000 का मिलता है, 3GB की रैम, 32GB स्टोरेज। तो अगर आपकी प्रायोरिटी गेमिंग है तो मैं रेकमेंड नहीं करता हूँ। नॉर्मल टास्क के लिए और लॉन्ग लाइफ बैटरी वाला कोई फोन चाहिए तो ये फोन ठीक रहेगा आपके लिए। और जो C15 है मेरे ख्याल से प्राइस ज्यादा हो गई है, 10,000 का आपको मिलता है 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, और 464 आपको 11,000 का मिलता है। Helio G35 है, HD+ डिस्प्ले। तो अगर Redmi 9 Prime देखा जाए तो उससे काफी आपको बेटर मिल जाता है। तो मेरे ख्याल से प्राइस इस मामले में उन्होंने यहां पर ज्यादा रख दिए। तो C15 में मुझे इतना मजा नहीं आया, C12 मुझे ठीक लगा। और Buds Classic जो है उनके जो वायर्ड 3.5mm जैक वाले ईयरफोन है, ये मुझे बढ़िया लगा। 400 रुपए की प्राइस है दोस्तों, 14.2mm वाले आपको इसमें ड्राइवर्स मिल जाते हैं और भी काफी सारे कमाल के फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपकी बजट 400 रुपए की 3.5mm जैक वाला आपको वायर्ड ईयरफोन चाहिए तो मेरे ख्याल से ये चीज आपके लिए सही रहेगी। अब बात करते हैं बाहर की और सबसे इंटरेस्टिंग खबर की, तो Realme 7 सीरीज यस दोस्तों फाइनली टीज हो चुका है। Realme के जो CMO है वहां के, चाइना के या ग्लोबली, उन्होंने Vivo पर पोस्ट कर दिया, वो 7up वाला फोटो डाल दिया। तो इससे तो यही हिंट आ रहा है कि भाई वो Realme 7 सीरीज को टीज कर रहे हैं। तो भाई बहुत ही जल्दी Realme 7 सीरीज हमें चाइना में देखने को मिलेगी। और एक जगह पर ये भी पोस्ट आया था, बताया जा रहा था कि 3 अलग अलग ब्रांड्स जो अपने 1 सितंबर को फोन लॉन्च करेंगी या प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगी, उसमें Realme भी बताया जा रहा है। इसका मतलब शायद चाइना में 1 सितंबर को Realme 7 सीरीज हमें देखने को मिल सकती है, उसके बाद हमें सितंबर में इंडिया में भी देखने को मिलेंगे। तो मैं उसके लिए वैसे काफी एक्साइटेड हूं। बाय द वे इन फोन्स के बारे में क्या ख्याल है जो आज इंडिया में लॉन्च हुए, उसके बारे में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों फाइनली बहुत ही जबरदस्त खबर आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं। Asus ZenFone 7 सीरीज 26 अगस्त को ताइवान के अंदर लॉन्च होने वाला है, जिसके लिए हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे। हमें सिर्फ लीक्स और रूमर से सुनाई दे रही थी, लेकिन अभी ऑफिशियली सीधे लॉन्च डेट यहां पर बाहर निकल कर आ गई है और ये उनकी होम कंट्री में ऑब्वियसली सबसे पहले लॉन्च होगी और उसके बाद शायद हमें इंडिया में भी देखने को मिल जाए। मे भी हो सकता है जैसे कि ROG Phone 3 लॉन्च हुआ था एक ही टाइम पर सब जगह, वैसे ही हो सकता है कि इंडिया में उस टाइम पर हमें देखने को मिल जाए। तो 26 अगस्त को दोस्तों Asus ZenFone 7 सीरीज आने वाली है और Geekbench पर भी जब लिस्ट हुए थे तो 8GB की रैम, Snapdragon 865 वगैरह के प्रोसेसर मिल रहे थे। अगर इसमें भी वो फ्लिप वाला कैमरा लेके आते तो मेरे ख्याल से ना बहुत ही इंटरेस्टिंग ये फोन होगा। तो मैं बहुत एक्साइटेड दोस्तों, क्या आप है? आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों OnePlus की तरफ से बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आ रही है। OnePlus मुझे ऐसा लगता है कि भाई अभी वो बजट स्मार्टफोन की जो गाड़ी होती है उसके अंदर बैठ चुका है और एकदम निकल चुका है, आजू बाजू देख ही नहीं रहा है। क्योंकि दोस्तों OnePlus का अभी एक जो चार्जर है 18 वॉट का दोस्तों, वो TUV रैंडन पर लिस्ट हो गया है। जी हाँ, जापान की सर्टिफिकेशन पर लिस्ट हुआ है। तो इसका मतलब दोस्तों ऑब्वियसली ये चार्जर जो है 18 वॉट का, तो ऐसा देख के लग रहा है कि एक बजट स्मार्टफोन में हमें ये वाला चार्जर जो है वो उस फोन के साथ में देखने को मिल सकता है। तो मे बी OnePlus एक बहुत ही अफोर्डेबल या बजट स्मार्टफोन पर यहां पर काम कर रहा है जो अराउंड 15,000 के आसपास आ सकता है। याद है OnePlus का क्लोवर करके एक फोन लिस्ट हुआ था Snapdragon 660 के साथ में, मे बी उसके साथ में आ सकता है, या शायद Snapdragon 690 वाला जो OnePlus Nord Lite आएगा उसके साथ में भी हमें देखने को मिल सकता है। मतलब 15,000 से 20,000 की रेंज में OnePlus एक फोन तो लॉन्च करेगा, वो यहां पर तो कंफर्मड है और ये लिस्टिंग से हमें और भी ज्यादा श्योरिटी हो रही है। वैसे क्या लगता है दोस्तों OnePlus के इन चीजों के बारे में, आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो यहां पर दोस्तों इंडिया के अंदर आज बहुत ही बुरी खबर निकल कर आई है और बड़ी खबर है काफी, और बताया जा रहा है कि जियो, जी हाँ जियो जो है वो टिकटॉक को $5 बिलियन में एक्वायर करने की प्लानिंग कर रहा है। मतलब पहले बातें हो रही थी ना कि ऐसा होने वाला है, अब रेट्स वगैरह भी बाहर निकल कर आ चुके हैं, मतलब बिडिंग वगैरह चालू है और $5 बिलियन में टिकटॉक को वो एक्वायर अगर कर लेता है दोस्तों तो फिर तो हो ही गया, क्योंकि फिर टिकटॉक वापस इंडिया में आ जाएगा और सारी जिम्मेदारी फिर ऑब्वियसली जियो की होगी, डेटा लोकलाइजेशन वाला सब चीजें हो जाएगा, फिर चाइना वालों को सीन ही होगा तो वापस से टिकटॉक हमारे हाथ में आ जाएगा। तो ये एक डर मुझे अब यहां पर लग रहा है और भाई जियो क्यों ऐसा कर रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। जियो को नहीं करना चाहिए, हम बहुत ट्रस्ट करते हैं जियो पे, जब कोई चीज भाग चुकी है इंडिया से और इतना लफड़ा हो गया था तो थोड़े बहुत पॉपुलैरिटी के लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो देखते हैं दोस्तों, अगर ये बात सही हो जाती है तो बहुत बुरा है हमारे लिए, अगर नहीं होती है तो वो टट्टी टॉक ही रहेगा। कि दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि ग्लोबली लगभग 90% से ज्यादा जो लोग हैं उनका जो फोन है ना वो उनके पास ही हमेशा रहता है, मतलब विदिन एन आर्म्स रीच। मतलब मेरा फोन हमेशा मैं इस तरफ रखता हूं, अगर बाहर गया तो मेरे सोफे पे रख दूंगा, खाना खाने बैठा तो बाजू में रख दिया, मैं उसकी बात कर रहा हूं। हमेशा से दोस्तों पास में ही वो अपना फोन रखते, चाहे वो किसी भी तरीके का काम, हां पॉटी करने जाए तो अलग बात है, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि 90% से ज्यादा लोग ऐसा करते हैं। जी हां, तो आज की न्यूज़ से मैं कहता हूं नहीं करता, आपको आज की न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है लाइक करना, नीचे वाला वीडियो जरूर से लाइक करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।